हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले बहुत जल्दी से और बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करने जा रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये वीडियो जो है वो क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसके अलावा जो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जेई और नीट के कॉन्सेप्ट के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। ये सिर्फ स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाया गया है। साथ ही आपको ग्रेविटेशन की एक बहुत बढ़िया सी फॉर्मूला शीट का लिंक दे रहा हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो से फॉर्मूले रिवाइज करके आप उस फॉर्मूला शीट को अपने पास डाउनलोड करके रख लो और बाद में उससे रिवाइज करते रहना। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे फेमस फॉर्मूला सब जानते हैं, विच इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच इज gm1m2/r2। m1 m2 इनके मासेस हो गए और r इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। जैसा कि बताया, g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹¹ वैल्यू तक तो सबको क्लियर होता है, यूनिट में धोखा खा जाते हैं। बच्चों, जिस चीज का तुमको फॉर्मूला पता है उस चीज की यूनिट निकालने में तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूं तुम यादवाद मत रखा करो यूनिट्स को, फॉर्मूला तुम्हें पता है, थोड़ा टेक्निकल बनो, थोड़ा लॉजिकल बनो। यहां से, क्योंकि अक्सर मेरे साथ क्लासेस में होता है ना, वैल्यू सब बता देते, मैं पूछता हूं यूनिट, सर यूनिट तो याद नहीं है। भाई फॉर्मूला याद है तो यूनिट याद करने में दिक्कत क्या आएगी? सोच, जी को इधर रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो जी का अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा fr² / m1 m2। अब एफ की आपको यूनिट पता है न्यूटन होती है, आर की पता है मीटर होती है, और एम की केजी होती है। तो जी की यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर याद क्या रखेंगे, ठीक है? ओके, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm/r², वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अर्थ का मास 6 × 10⁴ kg और रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर। अगर आप यहां पे डाल दोगे और कैपिटल g की वैल्यू डाल दोगे तो आपको अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने निकाली है 9.8 m/s² वो मिल जाएगी। तो वो इस फॉर्मूले से हमने निकाली है, पर तुम किसी भी प्लेनेट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उस प्लेनेट का मास और रेडियस डाल देना। अब क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। वो जो फॉर्मूला था वो सरफेस के लिए था, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे चले जाएं, सपोज अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर एक पॉइंट है पी, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश, वो होती है gr² / r + x². कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और फॉर और ऑफ एनी अदर प्लेनेट, है ना, जो अगर कोई दूसरा प्लेनेट दिया क्वेश्चन में तो, ठीक। इन सब के डेरिवेशंस अगर आपको देखने हैं तो ग्रेविटेशन के डेरिवेशंस पे बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट। अच्छा, अगर केस ऐसा हो कि एच इज मच स्मॉलर देन आर, जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की हाइट पे देखना चाहते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो ये जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, ये वैल्यू अर्थ के रेडियस के सामने तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है ना। तो ऐसे केस के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, डेरिवेशन में चाहे देख लेना जाके। तो उस केस में जी डैश आता है जी इंटू 1 − 2h/r, बट ये फॉर्मूला आप समझ गए ना कब लगाना है, जब एच इज मच लेस लेस मच मच लेस देन आर हो, और जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, तो हाइट 500 किलोमीटर तक अगर दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। एंड परसेंटेज डिक्रीज एट हाइट एच, परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में एच हाइट पे, वो है 2h/r × 100। तो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और एच हाइट पे परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला ये है, बट ये फॉर्मूला भी इसी से आया है, तो ये भी तभी वैलिड है जब एच इज मच मच लेस देन आर, ठीक है। अब चलते हैं डेप्थ पे। अगर एक पॉइंट है अर्थ के अंदर, ये रहा अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ पे, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश होता है जी इंटू 1 − d /
आर, ठीक है, और परसेंटेज डिक्रीज होता है इस डेप्थ पे डी बाय आर इंटू 100। वो तो फॉर्मूला देखो, ये वाला परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, है ना। तो डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है, हाइट के साथ भी घट रहा है, तो डी डेप्थ पे चेंज कितना होगा, जी माइनस जी डैश। सरफेस के मुकाबले डी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कितना आया होगा, जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, सो दैट इज परसेंटेज डिक्रीज ना। तो ये तो यहीं से आ जाएगा, अगर आप जी को इधर लेके जाओगे, इसको यहाँ डिवाइड कराओगे, वन से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहीं से आया डी बाय आर इंटू 100। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हर एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको मेजर करने का एक तरीका होता है, और मेजर करके जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अगर आप मेजर करना चाहते हो, तो आपने ये देखना है कि अगर इस पॉइंट पे 1 kg का ऑब्जेक्ट रखते तो उस पर कितनी फोर्स लगती। देखो फील्ड्स हमें दिखाई तो देती नहीं है, तो फील्ड्स हमें महसूस होती हैं, लेकिन फील्ड्स के महसूस होने का तरीका क्या है, फील्ड अपने अंदर रखे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है और वहीं से पता लगता है कि फील्ड है। देखो यहाँ पे फील्ड है, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने का तरीका क्या है कि उस पॉइंट पे अगर मैं 1 kg का मास रखूं तो उस पे कितनी फोर्स लगेगी, और सपोज मैं उस पॉइंट पे एक मास रख रहा हूं m0 kg का और उस पे एफ फोर्स लग रही है, तो 1 kg पे कितनी लगेगी, एफ बाय m0, है ना। जैसे मैंने 5 kg का यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और उसे 50 N फोर्स लग रही है, तो 1 kg पे कितनी लगेगी, 50/5, दैट इज 10, सो दैट इज दैट न्यूटन पर kg, 10 N/kg इज कॉल्ड फील्ड एट दिस पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमने क्या रखा है, m0 रखा है ना, तो मान लेते हैं कि जो हमने m0 रखा, जिस पॉइंट पे हमने m0 रखा, वो सोर्स से, मतलब जिसकी फील्ड है, जैसे अर्थ की फील्ड है यहाँ पे, उसके डिस्टेंस से, वो उसके सेंटर से, जैसे ये अर्थ है, है ना, और यहाँ पे हमने ये m0 रखा, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमने ले लिया r, ठीक। तो फिर इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हुई, ये अर्थ हो गई, इसका मास m ले लो, अर्थ यहाँ कोई भी सोर्स बॉडी है, और ये m0 जो हमने रखी है, तो इनके बीच में फोर्स हो गई जी एम m0 बाय आर स्क्वायर, और पीछे जो अपना फॉर्मूला था वहाँ पे हमने f की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो m0 से m0 कट गया, तो i का एक और फॉर्मूला भी आ गया इसके मास की टर्म्स में, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो m0 की टर्म्स में, यानी जो बॉडी हमने प्लेस करी, अब ये वाला फॉर्मूला आ गया सोर्स मास की टर्म्स में, कि एक बॉडी है m मास की, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी जी एम बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई भी बॉडी है, जैसे यही बॉडी है अर्थ है, और आप इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से बहुत दूर से यहां पर एक बॉडी लाए एम मास की, ठीक है, पॉइंट पी पे, ये है सपोज पॉइंट पी, यहां पर आप एक बॉडी लाए एम मास की, और आपको करना पड़ा वर्क डब्ल्यू, आप मतलब एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ा वर्क डब्ल्यू, लेकिन यहां पर करना नहीं पड़ेगा, यहां पर बॉडी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होती है, आपको इस मास को लाना नहीं पड़ेगा जबरदस्ती, अगर ये रिपल्सिव फोर्स होती है तो जबरदस्ती लाना पड़ता है, तो खुद ही आ जाएगा, तो इसको खींचने में ग्रेविटी जो है वो वर्क कर रही है, सो दैट वर्क W डिवाइडेड बाय m इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। 1 kg का मास इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, और अगर m kg का लाए हो और W वर्क करना पड़ा है तो पोटेंशियल इज W बाय m। इसीलिए ऐसा यूनिट पोटेंशियल की बनी जूल पर kg, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R due to a mass m, देखो यहां पर हम एक मास लाए थे इन्फिनिटी से m और हमें वर्क करना पड़ा था W, तो यहां पे पोटेंशियल जो था v से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, वो था W by m, पर
वो जो मास लाया गया है वो किसी दूसरे मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाया गया है, तो जो सोर्स मास है वो कैपिटल एम है, तो उसकी टर्म्स में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि इस सोर्स मास से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, वो होता है जी एम बाय आर, ठीक। एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो बॉडीज हैं एम वन एम टू मास की जिनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है आर, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, एंड दिस इज ऑल्सो द वर्क डन टू अरेंज दिस सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी। पहले ये मासेस बहुत दूर दूर थे, फिर ये पास आए, तो इनको पास लाने में जो वर्क हुआ किसने किया, ग्रेविटी ने, वही तो खींच के पास लाई, तो दैट वर्क इज माइनस जी एम वन एम टू बाय आर विच इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं सैटेलाइट के कुछ फॉर्मूले की। सैटेलाइट जैसे ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है आर, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे सैटेलाइट घूम रही है, तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस हो गया अर्थ के सेंटर से, ऐसे सैटेलाइट चक्कर लगाएगी ना ऐसे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ऑर्बिटल रेडियस है सैटेलाइट का, जो कि होगा आर प्लस एच, ठीक। इस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जो ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी है, वो होती है अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। एम इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम जहां भी लिखा है दैट इज द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ, और आर और एच तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसमें भी अगर एच जो है वो आर से बहुत स्मॉल हो, तो नीचे से हमने एच हटा ही दिया ना, कि अगर एच और एच आर से बहुत स्मॉल हो तो एच प्लस आर को नियरली आर ही लिख सकते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला अंडर रूट जी एम बाय आर, और आप जानते हो कि पीछे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से जी एम की वैल्यू क्या बनी, जी एम की वैल्यू बनी जी इंटू आर स्क्वायर, तो जी एम की जगह मैंने जी इंटू आर स्क्वायर रखा, एक आर से आर कट गया, तो अंडर रूट जी आर भी इसकी वैल्यू हो सकती है। दूसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लगा सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सर्कमफ्रेंस क्या है सैटेलाइट के ऑर्बिट का, 2 पाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाय वी, वी का फॉर्मूला जो अभी पीछे रखा वो यहाँ पे रख दिया ये ऊपर जाएगा, आर प्लस एच रूट के बाहर है तो रूट के अंदर आएगा तो आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, अरे भाई स्क्वायर वाली चीज रूट के बाहर आती है स्क्वायर हट जाता है, तो वापस रूट के अंदर जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, एक रूट के अंदर आर प्लस एच ऑलरेडी है, ये भी रूट के अंदर जाएगा तो आर प्लस एच क्यूब हो जाएगा। फिर से हम आते हैं कि अगर एच इज मच स्मॉलर देन आर है, तो यहां से हमने एच हटा दिया, आर क्यूब बचा, मास की जगह हमने रख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी रो ले ली, अर्थ को नियरली स्फेरिकल है तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, एक आर क्यूब से आर क्यूब कटा, ये 2 पाई अंदर आएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, देन 4 से 4 कटा, एक पाई से पाई कटा, तो ये फॉर्मूला अंडर रूट 3 पाई बाय जी रो भी हो सकता है, जीरो वाला जीरो नहीं, जी इनटू रो, ठीक है। और बट ये उन्हीं सैटेलाइट्स के लिए वैलिड है जो सैटेलाइट्स अर्थ के बहुत पास रिवॉल्व कर रही है ना, जिनका हमने एच इग्नोर कर दिया है, तो कोई भी दो सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड का रेशियो होगा ऐसी दो सैटेलाइट्स का विच आर रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, तो उनमें 3 पाई और जी तो सेम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो, अच्छा अर्थ के लिए तो डेंसिटी भी सेम होगी, बट दो डिफरेंट प्लैनेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो दो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनके इसके बहुत पास एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, इसके बहुत पास एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो उनके टाइम पीरियड्स की रेशियो जो होगी वो उनकी डेंसिटीज के रेशियो के इनवर्स का रूट होगी, ठीक है, क्योंकि 3 पाई और जी तो कट जाएगा। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है और उसके बाद जो बाकी फॉर्मूला है वो कहाँ से आए, कि जो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है, जो अर्थ और सैटेलाइट के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट विच इज आर प्लस एच, और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, जी एम एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, तो एक आर प्लस एच से आर प्लस एच कट गया, एम वी स्क्वायर बचा, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने को हाफ एम वी स्क्वायर की ये वैल्यू मिली काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ जी एम एम बाय आर प्लस एच, ठीक। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम टू बाय
डिस्टेंस, तो माइनस जी एम वन एम टू बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट का सेंटर। ठीक, टोटल एनर्जी के ई प्लस पीई हो गई। अब के ई ये रहा, पीई ये रहा, जी एम एम बाय आर प्लस एच दोनों में सेम है, तो हाफ माइनस वन कर दिया तो माइनस हाफ आ गया। देन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि सैटेलाइट को अगर उसके ऑर्बिट से हटाना हो तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है तो इतनी उसकी नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम स्टेबल है, और तोड़ना हो तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? जितनी उसकी एनर्जी, अब सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है उसकी एनर्जी है इतनी, तो आप उसको ऑर्बिट से हटाना चाहते हो तो आप इतनी ही एनर्जी उसको बाहर से दे दो, तो टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें बाहर से? इतनी ही देनी पड़ेगी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वैल्यू, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, देन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी प्लैनेट के सरफेस से एक बॉडी को किसी भी एंगल पे टेढ़ा फेंको, ऊपर फेंको, कितनी कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो उस प्लैनेट पे वापस ना गिरे और हमेशा के लिए स्पेस में चला जाए, वो बॉडी चली जाए। सो दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, विच इज अंडर रूट टू जी एम बाय आर, वेयर जी तो आपको पता ही है, एम इज द मास ऑफ प्लैनेट, आर इज रेडियस ऑफ प्लैनेट, और फिर से अभी जो पीछे हमने जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट किया था वो यहाँ भी पुट किया, तो ये दो फॉर्मूले एस्केप वेलोसिटी के मिलते हैं। अगर आप बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से फेंको, अगर आप इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी से फेंको, जैसे अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो अगर आप एग्जैक्टली किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी और उसके बाद उसमें एनर्जी बचेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप उसको एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा स्पीड से फेंकते हो तो वो जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस भी कर जाएगी तो भी उसमें एनर्जी बची रहेगी, तो वो चलती रहेगी। तो ये एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी बॉडी को वी वेलोसिटी से फेंको विच इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और वो होगी वी डैश विच इज अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फिर केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला आता है कि कोई भी दो प्लैनेट्स हैं जिनका सन से एवरेज डिस्टेंस आर वन आर टू है, एक का टाइम पीरियड टी वन है, दूसरे का टी टू है, तो टी वन स्क्वायर बाय टी टू स्क्वायर इक्वल टू आर वन क्यूब बाय आर टू क्यूब होता है। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स के लिए फॉर्मूले मोर देन इनफ है, मतलब सब इसी में से आएगा। तो फॉर्मूला शीट डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।